हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं वन ऑफ माय चैंपियंस से, जिसका नाम है करण अग्रवाल। ही इज़ फ्रॉम मथुरा और मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी ठंड में ही हैज़ कम फ्रॉम मथुरा टू मीट मी, ऑल द वे फ्रॉम मथुरा। मथुरा से आए हैं मुझसे मिलने के लिए और ठंड में दिल्ली में बहुत काफ़ी है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने EPFO एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर स्टूडेंट को EPFO का फुल फॉर्म नहीं पता है तो एक बार बता देती हूँ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी 2700 वैकेंसीज आया था। और बहुत अच्छी बात है कि इनका 2700 में इनका रैंक 40 है, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं। और इस इंटरव्यू को करवाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारे स्टूडेंट्स, नो डाउट बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने मन में बैठा के रखे कि मुझे सिर्फ CGL ही देना है, तो CGL तो देना ही है, आपका जो ड्रीम पोस्ट है उसको तो लेना ही है। बट स्टूडेंट्स को बताना था ना कि अपार्ट फ्रॉम CGL और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वाला, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हूँ तो बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम इस एग्ज़ाम के बारे में ना आप कुछ बताइए। तो मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम के बारे में मुझसे अच्छा मेरे स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या है, कितने कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने कितने मार्क्स आते हैं। ओके, तो चलो मैं करण को माइक देती हूँ, ठीक है। करण बहुत अच्छे से बताएंगे कि एग्ज़ाम्स कैसे कैसे था, और बहुत अच्छा रैंक लाया, 42 रैंक, और इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। ओके, इंग्लिश का वेटेज तो हर जगह ज़्यादा है, तो चलो वेलकम करण, एक बार बता दीजिए। थैंक यू मैम। मेरा नाम करण अग्रवाल है, और जैसे कि मैम ने बताया EPFO एग्ज़ाम हमने दिया था, जो कि 2022 वाले मेंस के साथ ही उसका फॉर्म निकला था, तो हमने बस वो एक अल्टरनेटिव की तरह हमने EPFO का फॉर्म भरा था। उसमें क्या था कि 150 टोटल क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स का वेटेज था 600, तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन थे 50, तो उनका मार्क्स हो गए 200। उसमें क्या था कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही थी, पर वेटेज और लेवल थोड़ा सा CGL वगैरह या CHS वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा सा अप था, तो हम उसको देने गए। उसका प्री हुआ हमारा, तो प्री में मेरे मार्क्स आए थे 442। उसके बाद उनके आंसर्स की जाई तो उससे ये पता लगा था 442 मार्क्स हैं। फिर हमारा वो रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद टाइपिंग होती है उसमें, तो टाइपिंग का एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो 19 नवंबर को हमारी टाइपिंग हुई थी। तो फिर हमारा टाइपिंग होने के बाद, उसमें टाइपिंग में ये होता है कि अनलिमिटेड पैसेज आता है उसमें, तुम्हें 10 मिनट में करेक्टली 1750 की डिप्रेशन टाइप करने होते हैं, वो करेक्ट इतने होने चाहिए, और उसके तुम कितना भी आप करने जाओ 2400-2500 कर सकते हो। मैंने किए थे 2345 की डिप्रेशन करे थे। तो उसके बाद फिर मेरा फाइनल रिजल्ट आया था अभी 3 जनवरी को, तो उसमें मेरी रैंक 40 आई है, और प्रोबेबली मेरे को हो सकता है मेरी होम टाउन होम स्टेट मिल जाए। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। इनके यस, करण ने जैसा बताया कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का है, ठीक है, जैसे इंग्लिश 50 क्वेश्चंस है ना, मैथ्स 30 क्वेश्चंस है, रीजनिंग 30 है, GS 30 है, इंग्लिश 50 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का इंग्लिश है, तो नो डाउट इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैक्सिमम, हर अब तो CGL में भी इंग्लिश ज्यादा, CHS में सब में ही इंग्लिश ज्यादा आ रही है, मतलब तो इंग्लिश से बचा नहीं जा सकता, यू हैव टू फॉल इन लव विद इंग्लिश, आप नहीं सकते हो, ठीक है, और करते करते इंग्लिश बढ़ी जानी है, मतलब हो ही जाती है अगर मैम के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो ही जाता है। तो आपने पेड बैच लिया था या यूट्यूब से पढ़े? नहीं मैम, पेड लिया था मैंने। अच्छा, पेड लिया था। अनअकैडमी जब आप पढ़ाती थी तो पेड बैच में पढ़ा था, लिया था। चलो एक बार बच्चों से शेयर कर दो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैथ्स रीजनिंग तो वो अपने से बनाया कर ही लेते हैं, अक्सर वो मुझसे स्ट्रेटेजी पूछते हैं तो मैं तो स्ट्रेटेजी बता बता के थक गई हूँ, लेकिन वो आपकी बात ज्यादा मानेंगे। तो मैंने मैम का प्रैक्टिस बैच और समुद्र मंथन बैच, ये दोनों बहुत डेडिकेटली फॉलो करे थे। जैसे मैम बताती थी, जैसे समुद्र मंथन में मैम एक वर्ड के बाद 5-10 वर्ड उसके रिलेटेड या उसके सिनोनिम्स वगैरह बताती थी, तो मैं उसको एक एक बाय वन बाय वर्ड वर्ड बाय वर्ड लिखता था, फिर उसको टाइमली, जैसे आज नया करा रही है मैम, उसके पीछे 2-3 पेज हो चुके हैं, तो हम उनको रिवाइज करते थे। फिर एक टाइम के बाद ये हो गया था कि प्रैक्टिस मैम ने स्टार्ट करा दी थी, तो समुद्र मंथन की मैं रेगुलरली एक टाइम स्टार्ट किया था दिन में कि उसको 2-3 पेज मेरे को रेगुलरली पढ़ने ही है, तो मैंने कॉपी में अलग से लिखी थी समुद्र मंथन वाली वो कैब, तो मैं उनको ही रिवाइज करता था। तो फिर उनका ऑटोमेटिकली ये नहीं था कि मेरे को याद करना है, मैंने ऐसा कोई दिमाग में बनाया नहीं था कि मेरे को याद करना है, रटना ही है, बस मैम ने जैसे बताया था कि बस देखते रहना है तुम्हें, तो मैं ऐसे रेगुलर पढ़ता रहता था पेजेस,
उससे मेरे को दिमाग में बैठने लग गई थी। फिर मॉक टेस्ट में देखा तो उससे कि असर हो रहा है, वो कैप अच्छा लग रहा है, फंस रही है, मॉक टेस्ट में आ जाती है, तो फिर उससे ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। तो फिर मैं वही चीज़ें मतलब जैसा डिसाइड किया था शुरू से फर्स्ट डे से वैसा ही किया था, और एरर्स वगैरह या क्लू स्ट्रेस आठ चीज। अच्छा, जब समुद्र मंथन में बच्चों का जनरली कहना होता है कि मैम हम आगे पढ़ते जाते हैं पीछे के वर्ड्स भूलते जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते तो मैम वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो हमारे साथ भी होता होगा। हाँ, सबके सबके साथ ही होता है। एक वर्ड के साथ अगर आप 20 वर्ड देख रहे हो तो 20 वर्ड एक साथ याद नहीं हो सकते हमें, वो एक बाय वन बाय वर्ड, एक बार में 3 याद होंगे, दूसरी बार में 6 याद। टाइम बांध लेना है। हाँ मैम, आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे की वर्ड्स को बार बार रिविजन, हाँ वो रिविजन करना ही पड़ेगा, तभी वो एक साथ एक बार ऐसा आएगा कि हो जाएंगे लास्ट तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा हम कि 20 के वर्ड 200 में याद आते हैं। पर ये है कि समुद्र मंथन पढ़ने के बाद लगा होगा ना कि मैं तो चलता फिरता एक छोटा सा डिक्शनरी बन गया। हाँ मैम, अब तो मॉक में ऐसा कोई वर्ड नहीं बचता जो नहीं आता, हम आ जाते हैं। और फिर थोड़ा आपने ये भी बताया था कि ऑप्शनल एलिमिनेशन से करना होता है, तो अब ये है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, 2 का हमें पता होता है, 2 में हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा हो सकता है, तो वो भी टेक्निक हमें यूज करी थी। वो कैप के लिए ना कुछ नहीं करना है, मैं तो अपनी तरफ से निमोनिक्स बताती हूं और आपको अपनी तरफ से रटना है, सिर्फ मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा, क्योंकि बार बार चीजों को याद करने का काम तो आप ही को करना है। टेस्ट में लेते रहती हूँ, मेरी कोशिश होती है बार बार टेस्ट लूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। चलो अभी हम ग्रामर पे आते हैं। जो स्टूडेंट के क्वेरीज होते हैं ना, मैं आपसे वही पूछूंगी। हर बच्चा सिलेबस कर लिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से सिलेबस कर लिया और सब टीचर ने अपने लेवल से एकदम बेस्ट पढ़ाया है, बट फिर भी बच्चे का एरर्स नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने खराब पढ़ाया, टीचर ने जबरदस्त पढ़ाया, बट बच्चे का एरर्स नहीं बनता है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन डज नॉट इंश्योर कि आपका एरर्स बनने ही शुरू हो जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हाँ मैम, प्रैक्टिस चाहिए एरर बन। जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था तो उसके बाद भी एरर्स ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 एरर बन जाते थे, पर वो है कि प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस वाइज ज्वाइन किया था मैंने मैम का, तो उससे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली टाइम के साथ होती चली गई थी। और एकदम ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस वाइज ज्वाइन किया शुरू में बनने लगा, नहीं नहीं होता, एक मंथ तो लग जाता है ना समझने में क्वेश्चन आया मिक्स्ड वाला तो हाँ। क्या इसमें एरर है, लेकिन कैसे पता चलता था जब आपके पास क्वेश्चंस आता था तो कैसे पता चलता था कि इस सेंटेंस में यही टॉपिक का एरर है? नहीं, पता लग जाता था। जैसे एक सेंटेंस एलिमिनेशन से भी ज्यादा, बहुत चीजें एलिमिनेशन से हो जाती थी कि इस पार्ट में तो एरर हो ही नहीं सकता, फिर वो करते करते आप मैम के साथ प्रैक्टिस करोगे, मैम भी सुन लेते हैं आपकी सुन लेते हैं ना तो उससे समझ में आ जाता है कि हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट एरर हो सकता है। मैम जैसे बताती थी कि इस वाले पार्ट में एरर नहीं हो सकता, मतलब कुछ एलिमिनेशन से जो बताते हैं, नो सूनर आ गया, नो सूनर वो दान लगेगा, इन्वर्जन होगा, इसके अलावा दूसरा एरर नहीं आएगा, इसके साथ ये आएगा, तो वो प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस से, वो जब आप सुनते रहते हैं, जैसे हम सुनते रहते थे ना मैं आपकी, कि ये वाला हो जाएगा, तो उससे ज्यादा अच्छा आता है, बजाय कि एक बार कोर्स करने से नहीं आती है, फिर तुम कोर्स को रिवाइज करने पे भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। जितना भी पढ़ लो बिना प्रैक्टिस का तो नहीं होता है। और मॉक्स देना भी जरूरी है, बिना मॉक्स का तो कुछ होगा नहीं होता। मॉक्स आपका डर खत्म करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है, आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ, मतलब किस पार्ट आपका ज्यादा वीक है, कहाँ ज्यादा बार बार एरर हो रहा है, मॉक्स वगैरह का एनालिसिस तो करना है, ये तो मैं हर बार ही बोलती हूँ, ठीक है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। और चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो अब क्लोज टेस्ट की तरफ आते हैं, जो बच्चों का बहुत बड़ा दुख दर्द है, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज। इस बार तो मेंस में PQRS नहीं आया, बट बहुत खुश मत होना, अगले बार आएगा। तो हमारे जितने CPO वाले भी स्टूडेंट्स हैं उनका तो खैर सारा खेल तो इंग्लिश का ही है। इस बार अगर PQRS नहीं आया तो ये मत सोचना कि मैं अगले बार PQRS नहीं पढ़ के जाऊंगा, आएगा आएगा, पढ़ना है तो बताइए। क्लोज टेस्ट RCC के लिए मैं अच्छा, आपका ये जो प्रोविडेंट फंड वाला जो एग्जाम था उसमें मैंने पेपर देखा, उसमें तो अच्छा लेवल था। हाँ मैम, उसमें RCE और क्लोज टेस्ट का लेवल CGL से ज्यादा अच्छा था, पैसेज लेंदी भी थे, क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी थे, मतलब उसमें आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, देखना पड़ रहा था हमें, और पैसेज भी 2 या 3 पैसेज आए थे उसमें, तो उसमें मतलब अच्छे से लेवल था, तो वो RCE और क्लोज टेस्ट तो आपके प्रैक्टिस से हो गया था मैम, जो आप कराती थी, ऐसे कोई उसके लिए हाँ ये होगा तो पढ़ते पढ़ते जैसे आप टेक्निक बताती हैं उससे ही हो गया था, ऐसे मतलब अलग से बुक या कोई कुछ रेफर नहीं किया, प्रैक्टिस से ही हो गया वो। कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो इस बार एग्जाम्स दे रहे हैं, कि थोड़ा सा मैम पे भरोसा कर लो? हाँ, भरोसा कर लो, मतलब आप जो प्रैक्टिस वर्क कराती है मैम वो कर लो, तो डेडिकेटली करते रहो, ब्लाइंडली करते रहो, तो हो जाएगा, मतलब
थोड़ा सा मैम पे भरोसा कर लीजिए, मुझे तो अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, मुझे ये भरोसा है कि अगर वो मुझ पे भरोसा करेंगे ना हाँ, उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा सा मुझ पे भरोसा कर लीजिए। और मुझ पे तो भरोसा करनी है, उससे 500 ज्यादा भरोसा आपको अपने ऊपर रखना है। आप हाँ, कभी कभी ना अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि शायद मेरा ही नहीं हो रहा है। हाँ सर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो आप कर जाओगे तो वहाँ टिके रहोगे तो हो जाएगा। मैंने भी इंग्लिश और कहीं से कुछ नहीं किया, बस मैम का ही करा तो मेरे को भी फायदा मिला ही, तो मिल ही जाता फायदा मतलब। ओके तो करण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, और नो डाउट आपके लाइफ में और भी आगे ड्रीम्स होंगे तो वो भी आपका पूरा होते रहे, और आप ऐसे ही आके मुझसे बार बार मिलते रहिए, ठीक है। स्मॉल टोकन ऑफ लव ले आई, तो स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर करण, ओके, छोटा सा गिफ्ट है। देखो क्लोजेस्ट PQRS नाउन प्रोनाउन तो अलग जगह है, असली मजा तो इसमें है, ठीक है। अब दिल्ली में रहकर स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे मथुरा का पेड़ा मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी पेड़ा का मैं वेट कर रही हूँ, और जितने भी हमारे मथुरा वाले स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए और लेके आइए। ओके तो सबसे पहले तो इसके हकदार आप हो, सबसे पहले दिस इज फॉर करण। थैंक यू। हाँ ठीक है करण, थैंक यू फॉर दिस पेड़ा। ओके और नो डाउट मथुरा का पेड़ा तो फेमस ही है, सबको पता ही है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हरियाणा से, MP से, बिहार से, पंजाब से, ऐसे ही आते रहिए, मिलते रहिए। ओके चलो करण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर से जब भी आपका दिल्ली आना हुआ आके मिलिएगा। चलो थैंक यू एवरी।